दौसा जिला मुख्यालय पर सफाई नहीं होने के विरोध में दौसा की रसोई संस्था के बैनर तले शहर के लोगों ने बुधवार को नगर परिषद का घेराव किया। लोगों ने नगर परिषद के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नगर परिषद और जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचने से आक्रोशित लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी। लोगों का रात तक धरना जारी रहा। दौसा की रसोई संस्थान के संस्थापक मनोज राघव के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ शहर के लोग और सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते रहे। सफाई की मांग को लेकर मूलभूत जो हमारी जरूरत है उसके लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हम नगर परिषद घेराव करने आए थे कि हमारी सुनवाई होगी, प्रशासन हमारी बात सुनेगा, पर प्रशासन हमारी बिल्कुल अनदेखी कर रहा है, इसलिए हमने इस घेराव को धरने में परिवर्तित कर दिया। और अगर फिर भी इनकी आंख नहीं खुली तो हम लोग कर्मिक अनशन पे बैठेंगे और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। कुछ बातें हुई अंदर किसी से? बातें सभापति के प्रतिनिधि के तौर पर राकेश चौधरी जी आए थे, पर हमने उनसे कहा कि हम शिकायती जब नगर परिषद प्रशासन की लेके आए तो आपको आपकी शिकायत देकर क्या करेंगे, हमें जिले के आला अधिकारियों को आपकी शिकायत करनी है, वो यहाँ आए और हमारी बात सुने। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ आएँ और हमारी मांगों को सुने और उन्हें पूरा करने का हमें लिखित में आश्वासन। आंदोलन जब तक जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक इनका वेतन नहीं मिल जाता तब तक जारी। वहीं इसी दौरान नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा पर पार्षद पूरण सैनी ने आरोप लगाए हैं। पार्षद पूरण सैनी का कहना है कि वो अपने वार्ड की सफाई समस्या को लेकर नगर परिषद की आयुक्त पूजा मीणा के पास गए थे। पार्षद पूरण सैनी ने बताया कि उन्होंने जब आयुक्त को अपनी शिकायत बताई तो आयुक्त ने उनकी शिकायत सुनने के बाद उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो आयुक्त के कैबिन से बाहर आ गए और अपनी आपबीती पार्टी कार्यकर्ताओं को बताई। आयुक्त के इस व्यवहार के बाद भाजपा कार्यकर्ता और ओबीसी प्रकोष्ठ भाजपा में रोष है और आयुक्त के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। आज हम दौसा नगर परिषद में बाहर एक दौसा में सफाई व्यवस्था को लेकर के एक धरना चल रहा था। हम उस धरने का समर्थन करने के लिए आए हुए थे। धरने का समर्थन के बीच में ही हमको सभापति के पति ने अंदर बुला लिया। आशा पार्षद और मैं पूरण सैनी पार्षद वार्ड नंबर 22 दोनों अंदर गए। 10-15 महिलाएं भी हमारी साथ थी वार्ड की। हमने कमिश्नर के कमरे में बैठ करके बातचीत स्टार्ट करी। मैंने बोला कमिश्नर से, मैडम यहां पर पार्षद आती है, महिलाएं पार्षद आती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज दो महीने से सफाई व्यवस्था आपकी ख़राब चल रही है, उसके विषय में आपने क्या किया? वो कह रही थी कि मैंने टेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा टेंडर व्यवस्था तो आपने पहले भी करी थी, लेकिन उसमें भी कई त्रुटियां थी, और आज भी अगर आपने कोई टेंडर किया है तो वो क्या पार्षदों से वेरीफाई टेंडर है या जनता से वेरीफाई है, ऐसा कि आप आगामी जो टेंडर होगा वो भी सफाई व्यवस्था कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैडम ने बोला आप ज़्यादा बोलते हो, बदतमीजी से पेश आई, बाहर निकल जाओ, आप थप्पड़ मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ठीक है, कमरे में माहौल थोड़ा गर्माया तो हम बाहर आ गए, क्योंकि वो महिला है, कमिश्नर है, वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती है। नहीं, सरकारी ऑफिस में कैसे लगा सकते हैं? आपको कैसे लगता है ऑफिस में इल्ज़ाम लगा देंगे? नहीं लगा, तो हमने ऐसा सोच करके हम बाहर आ गए। बाहर आ करके हमने ये मांग रखी है कि वो इस अभद्रता का उसको सबक सिखाएंगे और आंदोलन हमारा भी जारी रहेगा। मैं ओबीसी प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष भी हूँ, मेरी पार्टी को भी मैं कल अवगत कराऊंगा और मेरी पार्टी के द्वारा भी एक आंदोलन किया जाएगा, जो कि एक कमिश्नर के पद पर बैठने के बावजूद भी एक संवैधानिक रूप से बात करने का सिस्टम नहीं जानती हो और एक पार्षद के साथ ऐसा व्यवहार करती है, वो कमिश्नर के खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि पूरण सैनी द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसके लिए दौसा रसोई के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों को वेतन देने की भी मांग उठा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी दौसा के लिए एचएन पांडे की रिपोर्ट।